अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज असीं जिला गुजरात के पिंड भागोवाल के नौजवान फार्मर असम अली दे कोल मौजूद हाँ। इस नौजवान फार्मर ने खूबसूरत गुजराती दुध आलियां बीतल बकरियां का शौक पाल रखा है। इस दे नाल मिलते हैं और मजीद करते हैं गलबात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जवान, सब तो पहले अपना तारफ करवा दें। मेरा नाम असम अली है। अच्छा, जिला गुजरात है, पिंड का नाम भागोवाल है। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा जवान, ये दस बकरियां का काम कितना अरसा हो गया कर रहा? ये साढ़े दादे परदादे तो आ रहा काम। माशाल्लाह नस्ल दा नस्ल ही तुम बकरियां की फार्मिंग कर रहे हो जी। तो सानू ये दसो कि किस नस्ल दी बकरियां रखियां ने? जी बीतल नस्ल दी बकरियां ने। अच्छा जवान, तू क्या है कि बीतल नस्ल दी बकरियां रखियां ने, तो सानू दसो कि बीतल की निशानी की है? बीतल की निशानी बली छिणी होवे दी। अच्छा, नारी होवे दी। सही है, कद होवे दा ठीक हो गया। अच्छा जबरदस्त। अच्छा तुहानू माशाल्लाह नसलदार नसल बकरियां रख दिया हो गया है, तो इस दौरान कोई मुश्किल पैदा हुई हो? जी बहुत ज़्यादा मुश्किल। सानू कुछ चंद ऐसा मुश्किल दसो कि जिन्हें तुम्हें पैदा हुई हो? जी दो तीन दफा भी हो बकरियां मर जाएगा। अच्छा सही है जी। तो फिर बकरियां सुनिया फिर उन्होंने जा होंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल उस तरह की आई ने। अच्छा ये बकरियां तुसी कह के मुश्किल पैदा हुई है, बकरियां मर जांदियां ना, ते मरने दी वजह की हुई है? किसी ने मुखर आ जाता है, किसी ने ठंडी आ जाती सी। अच्छा सही है, बीमार छोड़का लग जाता सी बकरी। अच्छा मुखर और छोड़के का इलाज की है? छोड़के का इलाज पत्ती दियो स्टोर तो इंजेक्शन लगते ने वो लाओ। अच्छा ठीक हो गया जी। मुखर वास्ते भी इंजेक्शन लगते ने, दवाई दारू इस तरह का देसी कोई इलाज किसी पता हो कर सकते। अच्छा सानू ये दसो कि इस काम के फायदा है? जी बहुत ज़्यादा फायदा है। इन्हां दे जा वगैरह सेल कर देंगे या इन्हां दा दुध वगैरह सेल कर दे? जा भी सेल कर देने, दुध भी सेल करते हैं करने असी। अच्छा तो वैसे तुम कि बेहतर समझते हो कि जा इस ज़्यादा फायदा या दुध ज़्यादा फायदा? भाई जी असं तो दोवें सेल करने सामने दोवें फायदा लगता है। इतने दुध का रेट क्या चल रहा है? जी 100 रुपये जी दुध का रेट। 100 रुपया से तुहाड़ियां बकरियां इस टाइम कितना दुध दे रही? जी साड़ियां बकरियां तकरीबन 40 से 45 किलो इस टाइम दुध दे रही है। 40 से 45 किलो माशाल्लाह। तो बकरियां सारियां सुईयां ने या कोई सुने वाली ने? जी सुईयां ने ज़्यादातर। अच्छा ठीक हो गया, सब तो अच्छी बकरियां ने दुध वाली वो सानू शो करा दियो जी। अच्छा जवान, असं इस टाइम जी बकरी देख रहे हैं, सब तो पहले तो सानू ये दसो कि कितना सूआ है? इस बकरी का तीसरा सूआ जी। तीसरा सूआ, तो कितनी एज की बकरी है? ये तकरीबन है जो 3 साल की। 3 साल के इस टाइम इस हेठ कितना दुध है? इस टाइम इस हेठ तकरीबन जो 3.5 किलो है जी। 3.5 किलो। अच्छा इसका झोला ला के सू चेक कराओ हाँ। अच्छा माशाल्लाह असी बकरी देखी थण पत्थर की काफ़ी सोहने न, तो कितना भी अरसा हो गया इन्हें सूईया? इनू हो गया तकरीबन 3 महीने हो गए। 3.5 महीने माशाल्लाह। इस टाइम इनके 3.5 किलो दुध है? 3 किलो है, 3.5 किलो है। माशाल्लाह जबरदस्त। इस तू बाद सानू किहड़ी बकरी चेक कराओगे? इस तू बाद तुहानू असी ठीक है। ये जी बकरी हुण तुसी सामने लैके आए हो, इसकी खसूसियत सानू दसो। ये भाई जी बली छिणी बकरी है। अच्छा नकोड़ा चंगा है, मोटी बकरी है। ठीक हो गया, दूध चंगा देती है, जा सोने देती है बल्ले छिणे अपने आप जी। अच्छा इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र तकरीबन हो गई जी 3.5 साल। अच्छा 3.5 दे तुहाड़े कोल कितनी बारी सू बैठी है बकरी? ये तकरीबन 2 सूए सू गए। 2 सूए ते इस कोल कितना दुध है? इस कोल तकरीबन है जी 2.5 किलो दुध। 2.5 किलो माशाल्लाह खूबसूरत बकरी है। ते इस तू बाद सानू कोई और बकरी चेक कराओ। माशाल्लाह ये काफ़ी सोहने रंग की बकरी है, ते इस बकरी की खसूसियत सानू दसो। ये बकरी बल्ले छिणे रंग दी है। अच्छा वड्डे काटदी है। ठीक हो गया, दूध चंगा देती है, जा सोने देती है। अच्छा इस दे कोल दूध कितना है? जी 4 किलो दूध है। 4 किलो माशाल्लाह बड़ा दूध है। तो अच्छा जवान है, हूँ असी माशाल्लाह ये काफ़ी खूबसूरत बकरी है, तो इस बकरी की सानू खसूसियत दस हाँ, ये कितना दूध दे रही है, तो कितने सूए हैं? ये भाई जी तीसरे सूए पट है। अच्छा जी तो लेली ले ला, इधर पीछे का बल्ला छिणा। सही है ठीक, ले ला लेली ले ला। इस बकरी के पीछे जोड़ा है? जी जोड़ा है।
अच्छा सही है। कितना अर्सा हो गया इन सूइयां? इन तकरीबन हो गया जी डेढ़ महीना। अच्छा माशाल्लाह असी बकरी जी देख रहे हैं इको रंग दे विच है ते माशाल्लाह खूबसूरत की है ते हाइट की इसकी काफ़ी है। अच्छा सानू ये दसो कि इस बकरी की खसूसियत की है ते बाजे तेले कलर दा इहदा रंग जे। अच्छा जी ते जा सोहणे देंदी है वड्डा खाद ते दुध चंगा देंदी है। दुध तकरीबन इहदे थल्ले है 3.5 किलो ना। 3.5 किलो ठीक हो गया। अच्छा असी जितनिया बकरियां देखिया ना फस्ट टाइम दुध वालियां ये बकरियां तुसी सेल की करोगे? जी सेल भी कर दें। सेल की कर दोगे। अच्छा इस टाइम असी हुण जिहड़ी बकरी सामने देख रहे हैं जी इस बकरी की कीमत कितनी हुई है? भाजी इस बकरी की कीमत तकरीबन 60,000 रुपया ना जी। 60,000 रुपया जी माशाल्लाह। तो अगर साढ़े वीडियो देखने वाले तुहाडे नाल कोई राबता वगैरह कर तो उन्होंने कोई प्यार मुहब्बत हो सकता? जी प्यार मुहब्बत हो जाएगा। अच्छा अपना एक दफ़ा नंबर बोल दियो जी 0342। अच्छा 350-3474 ठीक। अच्छा अगे जरा तुसी नंबर बोलिया है जी उस दे व्हाट्सएप बनी है? नहीं नहीं उस दे व्हाट्सएप नहीं बनी दूसरे तो बनी है। अच्छा जरा दूसरा नंबर है ना व्हाट्सएप वाला वो एक दफ़ा बोल दियो जी 0308। अच्छा 800-700-739। अच्छा जवान है माशाल्लाह असी देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत वड्डी हाइट विच तुसी बकरा फड़े है इस ब्रीडर की सानू खसूसियत दसो। भाई जी ब्रीडर साडा कादर है कादावर है। अच्छा रंग सोहना बल्ला शेरा ठीक हो गया। ये दे गुजा सोने होंदे ने जी जी एदियां कोई लेलियां शेलियां ले ले बड़े कादर होंदे ने कादावर होंदे ने। अच्छा असी देखया है तुहाडियां इतनियां बकरियां दे विच तुसी ब्रीडर ही कर रखी है की वजह के बाकी जिहड़े ब्रीडर ने तुसी सेल कर देंदे हो इसी वजह की है? ब्रीडर असी एक ही रखने आ सोना। अच्छा वड्डे कादावर हो गए ओदियां कोई लेलियां चंगियां साढ़े कोल नस्लदार नस्ल आ रही है नस्ल। अच्छा ठीक हो गया। तो जरा ब्रीडर असी देखा इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र है अज तकरीबन 3.5 साल। 3.5 साल तो वैसे ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी कितने साल अपने को ब्रीडर रखते हो? असी तकरीबन ज़्यादा तो ज़्यादा रखने कुछ 6-7 साल। 6-7 साल अक्सर ना देखा कि बकरे वगैरह भी लड़ाई वगैरह की बंदे कराते ना तो तुम ये ब्रीडर की कोई लड़ाई वगैरह कराते हो या हाँ अपनी बकरियों वास्ते रखी है? नहीं नहीं असं लड़ाई भी कराने अज अस खड़ना वे लड़ाई तो ना सुबह। अच्छा लड़ाई है दी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। इस तू पहले कि इन्हें लड़ाया जी? ये तो तकरीबन एक बार लड़ाया वे। अच्छा तो कैसा रहा रिजल्ट? जी बहुत अच्छा लड़िया ठीक हो गया। अच्छा सर सानू ये दसो कि तुसी साल दे विच एक सूआ लेंदे हो या दो सूए लेंदे हो? जी भाई जी असीं एक सूआ लेने आ क्योंकि असीं लेलियां शेलियां भी सोहणियां रखनियां होंगे ने। अच्छा कोई ज़्यादातर बंदे आंदे ने वड्डी ले ली दिओ जी जी मोटी ले ली होवे सोहणी होवे उहनूं फिर दुध छड्डिया होवे ते उह किन्ने दा दिसदी है जिवें होवे महीने दी ते दिसदी है 2 महीनियां दी जी जबरदस्त दुध छड्ड छड्डने आ ठीक हो गया। बकरियां दे विच माशाल्लाह असी जाग ही देखे ना कोई माशाल्लाह 5-7 जाग ही असी देखे ना काफ़ी खूबसूरत न ते सब तो पहले दसो कि इन्हां दी उम्र कितनी है? जी भाई जी इस लेली दी उम्र है अजे तकरीबन 1.5 महीना। 1.5 महीना ते सर ये लेली 1.5 महीने दी है माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत रंग है ते सर इस दी कीमत कितनी है? भाई जी इसकी कीमत 17,000। 17,000 ते इस दे कुछ प्यार मुहब्बत हो सकदा हो जाए जी प्यार जी ठीक है। इस तों अलावा होर 2-4 जा सानू चेक कराओ ते नाल उहनां दी कीमत की सानू दसो। अच्छा असीं हुण जिहड़ा सामने जा लगे आ देखण इस दी कीमत कितनी है ते कितने महीनिआं दा सानू इह दसो। भाई जी असां अगू ब्रीडर रखे आ एला ऐ छोटा ब्रीडर रखे आ। अच्छा ठीक हो गया। ते इह ब्रीडर तुसीं रखे सेल वगैरह की करदे हो कि जां अपने वास्ते रखे आ? अच्छा ठीक हो गया। ते इस दी कितनी कीमत है? कीमत जे तकरीबन 22-23 हज़ार। इस दे विच कोई प्यार मुहब्बत हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तू बाद सानू किहड़ा जा चेक कराओगे? अच्छा माशाल्लाह पहले असी ब्रीडर तुहाडा देखिया होगी काफ़ी खूबसूरत है तो पट्ठा माशाल्लाह तुसी दो फड़ियां ने कि काफ़ी खूबसूरत न तो इन्हां दी खसूसियत सानू दसो कितने महीने दियां ना? जी भाई जी पट्ठ जिहड़ी जे ना है जी जी 5 महीनियां दी जे। अच्छा ऐ पट्ठ सही हो गया जी पहले डब्बे रंग दी ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਟ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਕੱਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ। 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ 25,000 ਰੁਪਏ। 25,000 ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ? ਇਹਦਾ 20,000। 20,000 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਲੇ ਤੇਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਟੋ ਆਪੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਰ ਕਿਸ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਬੱਲੇ ਤੇਲੇ ਕਲਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ
ਤੇ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? 30,000। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ। 7 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਜੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੱਠ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਬੱਲੇ ਕੱਕੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ 3,000 ਹੈ। 3,000। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗੇ? ਸ਼ੇਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਠ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 25,000-26,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ। 26,000 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪੱਠ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗੇ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਪੱਠ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਪੱਠ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਇਸ ਦੀ? ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ? ਇਸਦਾ ਰੇਟ 3,000 ਰੁਪਇਆ। 3,000। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਰੁਪਈਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਫੱਬਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 40 ਕਿਲੋ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, 100 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਜੀ, 40-45 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਰੁਪਈਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਫੱਬਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 40 ਕਿਲੋ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, 100 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਜੀ, 40-45 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1.5-2 ਲੱਖ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ, ਪੱਠੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਰਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਘਿਓ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚੌਕ 'ਤੇ 3-4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚੌਕ 'ਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਣ? ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਪਾਉਣ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਪਾਉਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਣੇ ਵੰਡਾ ਚੋਕਰ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਕੰਮ? ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਧਾਖ ਕੇ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਹੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਲਵਣ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੰਦ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੌਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ,
अच्छा सही है माशाल्लाह जबरदस्त तुसी गुफ्तगू की है सर बहुत बहुत शुक्रिया तुसी अपना कीमती टाइम सानू दिता है।